जी गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई स्टूडियो की साइड निकल चुका हूँ एंड भाई हमारे पास आज आ रही है ब्रेजा रैप होने के लिए। तो भाई ब्रेजा का जो रैप हो रहा है ना, तो भाई उसके ऊपर लग रहे भाई डायमंड, राइट? तो जो हम रैप करने वाले हैं आज ब्रेजा में, तो वो होने वाला है भाई व्हाइट डायमंड, मतलब बेसिकली व्हाइट है जो डायमंड फिनिश में है, बेसिकली बहुत ज्यादा स्पार्कल है। वैसे कि हम सैटन करते रहते हैं, सैटन व्हाइट, बट इस बार कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। भाई को थोड़ा चाहिए था कि गाड़ी में ज्यादा ग्लॉस हो, तो हम कर रहे हैं इस बार डायमंड व्हाइट। एंड डायमंड व्हाइट कैसा होगा आपको वीडियो में आगे दिखते ही रहेगा। एंड अगर आप भी चाहते अपनी गाड़ी सुंदर बनाना, तो भाई कॉन्टेक्ट जल्दी से कर लो मुझे, कॉल, मैसेज, डीएम, जो दिल करे करो। एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करते रहना, अपडेट्स वहीं डालते रहता हूँ। तो आगे चलते वीडियो में। तो भाई अपने पास आ रखी है मारुति की ब्रेजा, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने। तो इस गाड़ी के ऊपर होने वाला पूरा रैप, तो गाड़ी है तो ब्रांड न्यू, बट तभी भाई कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सेफ्टी रहेगी, स्क्रैचेस उठ जाएगी गाड़ी। एंड लीगल रैप हो रहा है गाड़ी के ऊपर, मैं वापस बताऊँ। तो भाई गाड़ी के ऊपर हर समय हमने सैटन पॉल व्हाइट कराया, तो इसके ऊपर हम कर रहे हैं इस बार डायमंड व्हाइट। तब ये नॉर्मल व्हाइट आता कंपनी की साइड से, तो अब इसके ऊपर होगा डायमंड व्हाइट, स्पार्कल होगा काफ़ी ज़्यादा गाड़ी के ऊपर। तो रैप कैसा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो अभी गाड़ी की कंडीशन दिखा दूंगा। साफ सुथरी गाड़ी है, जैसा कि मैंने बताया नई गाड़ी है। तो एक बार उसके ऊपर डायमंड व्हाइट हो जाए तो शाइन का फिर बताएंगे कि भाई शाइन कैसी है गाड़ी के ऊपर, बताना तब रैप होने के बाद। फाइनली अपनी फोम वॉश हो गई गाड़ी, आप देख सकते हो पहले अजीब सी हो रही थी, पूरी चमक गई एंड अच्छे से धो लिया। एंड गाड़ी का अपना भाई रैप अपना खोल रहा है डायमंड व्हाइट। अभी तो नॉर्मल व्हाइट लग रहा होगा, बट जब ये गाड़ी पूरा जब उसके ऊपर हो जाएगा ना, काफ़ी फर्क है। अभी नॉर्मल भी अगर देखें ये हल्का सा येलोइश में, और वो प्योर व्हाइट, और प्योर व्हाइट के ऊपर काफ़ी स्पार्कल है, तो उसको डायमंड व्हाइट बोलते हैं। तो अभी करना स्टार्ट करेंगे, अभी निकाल के पीसेस कट होंगे और लगेंगे। जब दो चार पीस हो जाएंगे ना, तो उसका आपको फर्क दिखाऊंगा। तो अभी जब लगेगा तब दिखाता हूँ उसको। सो गाइस अपनी गाड़ी हो गई है रैप, आप देख सकते हो कि एक साइड से बोनेट, फेंडर, दोनों यहाँ के अपने गेट एंड एंड पीछे का बम्पर और पीछे का फेंडर। अब फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ सबसे पहले कि भाई फ़र्क क्या है कलर के अंदर, जो OEM कलर है और जो अपना रैप है। OEM कलर अपना देख सकते हो हल्का येलोइश में है एंड ये अपना रैप है। रैप के ऊपर अगर देखो ध्यान से देखो कि भाई डायमंड बहुत है, स्पार्कल बोले तो स्पार्कल बहुत है, काफ़ी स्पार्कल है। और जो अपने कंपनी का है वो उसके सामने कितना डल लग रहा है, काफ़ी डल लग रहा है अब इसके अंदर देखना कि डिग्गी और अपना पीछे फेंडर में एक और फ़र्क देखो कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। एंड कमेंट में बताना कि आपको ये डायमंड वाइट कलर अच्छा लगा है या अपना सैटन पर्ल वाइट। भाई स्पेशल अगर मैं अपना बताऊँ तो सैटन पर्ल वाइट भी अपनी जगह अच्छा है, बट अब ये ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया कि भाई डायमंड में ना धूप में और रात को ये काफ़ी ग्लॉस होगा, शाइन मारेगा। एक्चुअली क्या रहेगा, अभी रात में कोई गाड़ी लाइट मारेगी तो ये तब भी ग्लॉस करेगा काफ़ी, एंड धूप में तो भाई करेगा ही करेगा, 200% है। तो अभी अपना पीछे की डिग्गी और एक साइड की पूरी गाड़ी बची है और छत बची है, तो वो करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस गाड़ी अपनी भाई जिसको बोलते हैं ऑलमोस्ट रैप हो गई है, यानी अगर 5 सेकंड तो ये सारे पर्ल्स आपको दिखे रहे होंगे भाई, कितने पर्ल्स हैं। तो यही अगर रात को गाड़ी चलेगी अपनी, तो भाई पीछे से जैसी लाइट पड़ेगी गाड़ी में ना भाई बहुत जिसको बोलते हैं ना स्पार्कल स्पार्कल दिखेंगे। एंड उसके साथ हमने क्या करा, साइड मिरर और अपने हैंडल्स भाई ग्लॉस ब्लैक में पेंट करा दिए, उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर और ब्लू क्या स्पार्कल डलवा दिए। एक बार ये देखो तो यहाँ भी सारा स्पार्कल स्पार्कल हो गया। तो कमेंट में बताना लग कैसा रहा आपको, और अंदर से भी क्या कराया अंदर अंदर अंदर। तो भाई अंदर हमने लगा दिया है 4 चैनल मोराल का एम्प, एंड क्या भाई अलग सी प्लेसमेंट करी है अपने इसकी ऑडिशन के 3 इंची के मिड की भाई, क्योंकि ऊपर लग नहीं सकता था ड्यू टू सनरूफ। एंड भाई इधर अभी काम हो रहा है, क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा। यहाँ पॉट्स लगे हुए थे गेटों में, सब लगे हुए हैं, और जो प्रॉपर गेट में लगा सकते थे यहाँ कोई जगह नहीं है भाई ब्रेजा के अंदर। तो हमने भाई यहाँ से हटा के थोड़ी अलग सी जगह फिट करा नीचे, तो भाई आवाज़ भी बहुत बढ़िया आ रही है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। एंड आप देखो ऊपर भाई छत पूरी हमने खोल रखी है अपनी ब्रेजा की, क्यों? क्योंकि भाई पूरी छत और पिलर विलर वेलवेट हो रहे हैं गाड़ी के, एंड भाई बहुत सुंदर लगने वाले। तो एक बार जब सारा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई गाड़ी लग कैसे रही है। तो एक बार सारा इंटीरियर हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अपनी पूरी गाड़ी हो गई है रेडी, जिसमें हमने अपना ऑडिशन के सेटअप भी लगवा दिया है गाड़ी के अंदर, रैप भी हो गई है, रैप के साथ अंदर इंटीरियर भी काफ़ी कुछ बना दिया है। तो अभी गाड़ी कवर हो गई, तो भाई जिनकी थे जो ओनर थे वो बेसिकली आ गए, तो अब उनसे रिव्यू लेंगे कि गाड़ी का कलर कैसा लगा, फिनिशिंग कैसी लगी, अंदर का इंटीरियर कैसा लगा गाड़ी का, और उसके बाद जो ऑडियो लगा वो कैसा है। तो एक बार भाई आते हैं उनसे पर्दा उठवाते हैं, देखते हैं।
तो गाइस गाड़ी अपनी पूरी रेडी हो गई है, आप देख ही सकते होंगे ये अपना पूरा ए टू जेड रैप कंप्लीट, साइड मिरर अपना देख सकते होंगे पूरा कंप्लीट, एंड इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा सारा, मैं बैक से भी दिखा देता हूँ गाड़ी का लुक है सारा भाई, बैक से भी हल्की हल्की अपने टेंट कर रखी है गाड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है जिससे। तो अब इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर में जाके इंटीरियर में करा क्या है और प्लेसमेंट कहाँ आपने स्पीकर की। तो गाइस इंटीरियर की अगर हम बात करें तो पहले हम जाएंगे म्यूजिक सिस्टम में, गाड़ी के अंदर हर्ट्ज का थ्री वे लगाया है एंड थ्री वे लगा हुआ है, अंदर सोनी ईएस की स्क्रीन लग रही है एंड उसके बाद ऑडिसन लगाया है भाई हमने अंदर 3 इंची का अपना ऑडिसन, बहुत अलग सी प्लेसमेंट कर रखी है, लोग ऊपर लगाते हैं हम भी लगाते हैं ऊपर, तो हमने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं तो हमने यहाँ लगाया है एंड भाई पीछे भी ऑडिसन के कंपोनेंट लगे हुए हैं एंड पीछे ऑडिसन का एक बूफर लगा हुआ है राइट। एंड रही इंटीरियर की बात, तो पूरी छत एंड पिलर्स हमने वेलवेट कर रखे हैं पूरे, आप देख सकते होंगे पूरी छत पूरी ए टू जेड विद सनरूफ, लोग सनरूफ छोड़ देते, हमने सनरूफ भी भाई करी है बहुत अच्छी तरीके से। तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई गाड़ी अपनी लगी कैसे, एंड देखते हैं एक बार ओनर अगर कैमरे में आने से शाई नहीं होते तो हम ओनर से भी मिलवाते हैं। तो गाइस जो अपने ओनर है वो थोड़े शाई है कैमरे में आने के लिए तो हमने उसको लिया नहीं, बट हाँ वो भी बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को देखे। तो कमेंट में बताना आपको एक कलर लगा कैसे, मैं आपको एक बार पास से भी दिखाऊँ, देख लो कितने स्पार्कल है गाड़ी के अंदर, एंड हो सकेगा तो एक बार बाहर निकाल के भी आपको दिखाऊंगा कैसे स्पार्कल है, बट भाई सामने से अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पार्कल दिख रहे हैं इसके गाड़ी के अंदर, ध्यान से देखो अगर मैं पास लेके जाऊँ तो आप देख ही सकते होंगे कितने स्पार्कल है भाई गाड़ी के अंदर। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये गाड़ी लगी कैसे, एंड आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी ऐसी रैप कराना है कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस नई वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।